दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस कर ऑल प्रेस कर लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड जनजाति पार्ट 42, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे युवा गृह के बारे में। स्टूडेंट को याद करना बहुत टिपिकल लगता है युवा गृह, बस एक बार देख लीजिए आपको आज के बाद युवा गृह बड़ी बहुत आसानी से आपको याद रहेगा। ठीक है, तो देख लीजिए चार ट्राइब्स का तो बहुत जरूरी हो जाता है, मुंडा हो, उरांव और संथाल, जो जिसकी जो ज्यादा आबादी है, ये चार को तो मुंह में ही याद रख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं किसका भाई, संथाल। ये चार बड़ी बड़ी ट्राइब्स है ना, संथाल, मुंडा, उरांव, हो, ये चार की तो याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, एक तो अपना घूमकुड़िया का नाम, घूमकुड़िया है ना, घूमकुड़िया, ये तो नाम सुने होंगे तो भूल जाते होंगे घूमकुड़िया किसका है। तो ये घूमकुड़िया जब भी लिखा दिखे ना तो क्या है, घूम घुमाने बोलता है, तो घुमा ही दीजिए। ठीक है, इस ये घो हुआ, ऐसे घो है ना, इस घो को मिटा दीजिए, अब इसको घुमा दीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और उरांव लिख दीजिए, तो आप कभी नहीं भूलेंगे, घूमकुड़िया को घुमा देने से उरांव बनता है, तो उरांव का क्या हो गया, घूमकुड़िया। क्लियर, ये कहीं कहीं बुक में धूमकुड़िया है, तो धो को भी घुमाइएगा तो ऐसे ही होगा, उरांव ही निकलेगा। ठीक है, तो उरांव का क्लियर हो गया। अब देख लीजिए जितने भी आपको क्या बोलता है ये मिलेगा, जितने भी आपको युवा गृह मिलेगा उसमें एक ही है जिसके लास्ट में लॉ है। ठीक है, और संथाल के भी लास्ट में लॉ है। ठीक है, तो दैट इज घोटुल, तो इससे याद रखिएगा संथाल ट्राइब्स का घोटुल, क्योंकि इसके भी युवागिरी के लास्ट में भी लॉ और ट्राइब्स के लास्ट में भी लॉ। क्लियर, ये दोनों आप नहीं भूलिएगा। अब हम लोग चलते हैं कि भाई एक गीति ओड़ा, एक युवागिरी गीति ओड़ा, तो ये चारों गीति ओड़ा बहुत सारे ट्राइब्स का है, तो कैसे याद रखेंगे। ठीक है, गीति ओड़ा, गीति ओड़ा यही है ना, तो गीति ओड़ा किसका है, पांच ट्राइब्स का है, खंभ, ऐसे खंभ, खंभ कैसे लिखेंगे, स्पेलिंग खंभ याद रख लीजिए, हो गया के एच ए एम बी, खंभ का ही स्पेलिंग है, बस खंभ याद रखना है। ठीक है, के से कोरा, ठीक है, एच से हो, ए से असुर, असुर, एम से हो गया मुंडा, बी से हो गया बीरहोर। ठीक है, बीरहोर हो गया, खत्म, कहानी खत्म। तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्या है, मुंडा और हो, तो मुंडा और हो का क्या है, दोनों का गीति ओड़ा। ठीक है, गीति ओड़ा, तो चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको यहां याद हो गया भाई, साथ साथ क्या याद हो गया, खंभ किसका है, गीति ओड़ा किसका, कोरा, हो, अशूर, बिरहोर और मुंडा। क्लियर हो गया, अब हम लोग आगे चलते हैं कि भाई अब हम लोग कैसे आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको कुछ याद रखना पड़ेगा, ज्यादा चीजें याद नहीं रखना पड़ेगा, थोड़े से चीज याद रखना पड़ेगा। क्या, जैसे यहां बिरहोर का आपने क्या देखा, गीति ओड़ा, तो बिरहोर का देखिए तीन चार नाम है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट नाम है, कुछ एरिया में बिरहोर गीति ओड़ा मिलेगा, यही वाला गीति ओड़ा, और कहीं कहीं आपको टंडा लिख के मिलेगा, टंडा, ठीक है, कहीं कहीं टंडा लिख के मिलेगा, और एक एग्जाम में आ चुका है बिरहोर का, क्या कहते हैं, ऑप्शन में गीति ओड़ा नहीं था, टंडा था। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है, टंडा को, टंडा टंडा है ही है, इसके आगे एक शहर का नाम बसा दीजिए, भटिंडा, भटिंडा एक शहर हो जाएगा, तो बिरहोर का आप इससे याद, भटिंडा से शहर बना सकते हैं आप, तो इससे आप याद कर सकते हो कि टंडा किसका, बी का, बिरहोर का, बी लगाने से शहर का नाम बन रहा भटिंडा, तो इस तरह से आपको ये याद हो गया।
अब हम लोग चलते हैं आपको कोड़वा, एक आपको याद रहे कोड़वा होता है युवागिरी, कोड़वा ये किस ट्राइब का है? कोड़वा है सोरिया पहाड़िया का, सोरिया पहाड़िया, ठीक है। तो इस अड़ौ को देखिए, अड़ौ इसमें भी है, कोड़वा में भी अड़ौ है, तो इस अड़ौ से आप एक दूसरे को मैचिंग कर सकते हैं। कोड़वा है किसका है? सोरिया पहाड़िया का, ठीक है। तो आप कोड़वा याद कर सकते हैं। प्लस एक चीज और आपको याद रखना पड़ेगा भाई, गीतियो, अभी तक तो गीतियो पढ़े हैं, ठीक है, गीती ओड़ा पढ़े हम लोग अभी तक, तो गीतियो एक ट्राइब्स का है, ठीक है। गीतियो किस ट्राइब्स का युवागिरी है? ये खड़िया ट्राइब्स का युवागिरी, ये एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, गीतियो किसका है? खड़िया। एक ही कोई इसे मैं नहीं बता रहा हूं, अगर आपको कोई निमोनिक्स बना सकते हो तो बना लीजिए, लेकिन खड़िया गीतियो का है, खड़िया जनजाति का युवागिरी है गीतियो। एक चीज आपको और याद रखना पड़ेगा, ये जो घोटुल है, घोटुल, घोटुल संथाल का तो है ही, क्योंकि लास्ट में लो 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 है, इस वजह से एक गोंड जनजाति का भी है, ठीक है, गोंड। तो आपको घोटुल दो ट्राइब्स के लिए याद रखना पड़ेगा, संथाल और गोंड, इस लॉ के वजह से संथाल आपको याद रह जाएगा, गोंड और खड़िया, ख और ग वाले का याद रखना पड़ेगा, खड़िया का गीतियो और गोंड का घोटुल, ये भी एक ट्रिक्स हो सकता है। देखिए गो खो के खो का गो, खड़िया का गीतियो, या गो का घो, ठीक है, गो का घो, गोंड का घोटुल, ठीक है, इस तरह से मैं याद कर सकते हो, जो दो मैं याद करने के लिए आपको बोला था, गो का घो गोंड और खो का गो गीतियो, इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो ये सीरीज हो जाएगा क ख ग घ में, ये सीरीज हो जाएगा, ख का गो मतलब खड़िया का गीतियो और गो का घो गीतियो का घोटुल, घो से घोटुल, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस कर ऑल प्रेस कर लें।